से, गौ माता से, गौ माता के सानिध्य से, आशीर्वाद से असंभव है। बोलो गौ माता की। नहीं सुनाई दे रहा है। बोलो गौ माता की। कलकत्ता में देखिए सब अच्छा मिलता है। वाह क्या हो? तो क्या है, कलकत्ता में मैं जब भी आता हूँ फल मुझे बहुत अच्छा मिलते हैं, मिठाइयाँ अच्छा मिलते हैं। बोलो कोटा रसगुल्ला होती विस्की बोलते और इधर फल भी बड़ा बड़ा मिलता है कि नहीं? इतना सारा फल और मिस्की खा के अगर जय नहीं हो, बोलो माता की, बोलो नंदीश्वर भगवान की। ये तो गौ कथा का, गौ कथा क्यों, ये लंबा प्रश्न था और मैं इसमें थोड़ा ज्यादा समय ले लिया। अब इसे ऐसे ही समझाऊं, जय गौ माता, जय गौ माता, मजा नहीं आता है। हम लोग गाओगे तो मजा आएगा। यह कथा, कथा में मजा आए और आप भी समझो, हम भी समझे, आप भी संश्लिष्ट हो, हम भी संश्लिष्ट हो, आप भी इन्वॉल्व हो, हम भी इन्वॉल्व है, तो मजा आए। इधर कथा चल रहा है, क्या हुआ वो उसका बेटी का, ओ, मजा नहीं आया। ठीक है, अरे जय गौ माता, जय गौ माता, शरण में जाइए, आपके पास समाधान है, 100% है। बोलो गौ माता की। वो पता क्यों, तो इसलिए, ठीक है ना। दूसरा बिंदु हमें ये बताया गया कि अभी थोड़ा समझ में आ रहा है, अभी आपके घर में धन नहीं रह रहा है, आप कोशिश करते हो धन रखने के लिए, इधर से कमाई होता है और उधर से खत्म, आप समस्या में पड़ जाते हो, है ना। पैसा तो बहुत कमाते हो, हमारे उड़िया में बोलते हैं, लखे और जिले पोखे जाए नाही, लखे और जिले पोखे जाए नाही, हयो भैया। मतलब आप 1,00,000 रुपया कमाते हो लेकिन एक पक्ष तक नहीं जाता है, उड़िया शब्द है। मतलब 1,00,000 कमा के आए और एक पक्ष, पक्ष वाले कितना दिन होता है, 15 दिन, 15 दिन में गए, 15 दिन से पहले खत्म,
पखे जाए नहीं, मतलब पखे भी नहीं जाने वाला। कई उधारी ये दे दिया, कोई आया और एक तो टेंशन आ गया, उधर निपटाओ यार, वो कोई मांगने आ गया ये निपटाओ यार, पैसा रहता नहीं है। धन तो बहुत कमाते हो, डॉक्टर खा जाता है, धन तो बहुत कमाते हो, फिर कोई और तगादे में आ जाता है, फिर बिना मतलब का चीज खरीदते हो दिमाग में। अभी देखे हो ना, कुछ छोटे छोटे बच्चे होते ना, बच्चे मतलब बड़े छोटे बच्चे, बड़े छोटे बच्चे समझते हो, बच्चियाँ बड़ी बाजार में गए बैग लेके, तो फिर संभालो भाई, जो जरूरत नहीं है सब घर में ढोके ले आए और घर को बना दें म्यूजियम, ये भी है वो भी है वो भी, यार घर है या म्यूजियम है? क्यों? क्योंकि माइंड मैच्योर्ड नहीं है, बिना मतलब का चीज खरीदते हैं। ये भी अपने को नहीं पूछते कि कितना जरूरत कितना नहीं, घर में जगह हो नहीं हो ला के गुजर दो। क्या हुआ? माइंड डेवलपमेंट नहीं हुआ, मनोविकास नहीं हुआ, और घर में छोटे छोटे बात में कोई आत्महत्या कर लेते हैं ना मनोविकार के कारण। बहुत सारा सुनना, शादी करके एक साल या दो साल रहे नहीं रहे और दोनों में झगड़ा है कि नहीं, तो सुख तो है शांति नहीं है, ऐसे को परिवार कहा जाएगा? मन के मालिन्य है, दोनों में मिलाव नहीं है। तो गौ माता का पास वो ताकत है, वो शक्ति है, वो विधान है, वो योग है, वो तंत्र है, वो मंत्र है, वो यंत्र है कि आपका परिवार को उस स्तर पे ले जाए कि एटलीस्ट कोई आत्महत्या नहीं करेगी। वो जो आत्महत्या प्रवणता रहता है ना, वो दूर हो जाता है इस कथा के माध्यम से और गौ माता के माध्यम से। बोलो गौ माता की जय। आपके घर में कोई भूत प्रेत पिशाच का कोई नजर है, किसी प्रकार का समस्या है, आप समाधान नहीं कर पा रहे हो, बिना मतलब का टोटके किए जा रहे हो, YouTube में ढूंढ रहा है टोटका, कोई बाबा मावा टावा ढावा कावा के पीछे पड़ गया टोटका, कोई किसी गधा के पीछे पड़ गया टोटका, और ला के ले काम धंधा तो कुछ नहीं है, अंधविश्वास के पीछे पड़ा टोटका, बचना चाहते हो, पूरे साइंटिफिक तरीका इस गो कथा के माध्यम से है। पूछना पड़ेगा भाई, ये गो कथा का तात्पर्य है, आपका हर समस्या का समाधान गौ माता के पास है। अब कान में सुनाई नहीं दे तो भी गौ माता के पास समाधान है, आंख में दिखाई नहीं दे तो भी गौ माता के पास समस्या है। दिखाई नहीं दे मैंने इस चर्म चक्षु का बात नहीं कह रहा हूं, मैं ध्यान देना, अब आंख खराब है अलग बात है, चश्मा लग गए वो तो उतर जाते हैं, बहुत सारे आप जानते होंगे। तो ये सारा फायदा है, ठीक है ठीक है। ये बोतल सबको सबको, ये मेरे लिए, मेरे लिए खाली है। अच्छा बढ़िया, अभी हमारा पेट्रोल तो इधर है, ठीक है, तो जब भी आप पानी पिए खाली जल नहीं पिए, साथ में थोड़ा वो ऐसे मिला लीजिए, है ना, क्या है ये, क्या गोमूत्र, और जैसे पियोगे पानी, हाँ तो गो कथा बोलना है, गो पानी बोलना है तो गो पानी पीना पड़ेगा। आप भी पी लेना, 20-30 पीस है, ज्यादा नहीं है, जिसको चाहिए आप जरूर पी लेना, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा विषय है, मैं गौ कथा क्यों, गौ कथा से क्या फायदा, गौ कथा सुनने से क्या होता है, ये सारा विषय आपके सामने रखूं तो करीब करीब एक दिन तो इसी में चला जाएगा। मैं इस बिंदु को यहां विराम देते हुए दूसरा बिंदु पे आ रहा हूं, गौ को क्यों मां कहते हैं। माता से भी जिस माता ने क्या हो गया आगे का लाइन क्या, माता से भी माता से क्या, माता
से भी जिस माता ने क्या जन्म पाया, ज्यादा दूध पिलाया। भाई बहनों, मेरे माता पिता तुल्य, गौ कथा श्रोता वृंद, ये मुझे लगता है काफी है। ये दो लाइन गाय को क्यों माता कहते हैं और इसे विस्तार करो तो शायद समय नहीं होगा। ठीक है, अभी क्या टाइम बना, ये लोगों को शायद बोले थे 1-2 बजे हो ऐसा कुछ, प्रबंधक मेरे को बता देंगे। 2 बजे तक, तो 2 बजे समापन करना है। अच्छा, तो इस बिंदु पे मैं ध्यान दूं, आप मनुष्य शरीर धारण करने के उपरांत मैं जब जन्म हुआ, मेरा माँ मुझे कितने महीना या कितने साल तक दूध पिलाई थी बताइए। अच्छा, आप एक माँ अपने पुत्र या पुत्री को कितने साल तक दुग्धपान कराती है? 1 साल? है जी? 2 साल? 3 साल? मैक्सिमम। ठीक है, कितना भी कराए वो बात नहीं है, बात यहां है कि गौ माता तो मां अब जिंदगी भर पिलाती है। बोलो गौ माता की, इसलिए गौ को माता की। ये पहला है। अब यहां इस बात को अगर विस्तार किया जाए तो बड़ा रहस्य इसके अंदर है। देखिए, दूध तो बकरी भी पिलाती है, भैंस भी पिलाती है, जर्सी और होल्स्टन भी पिलाती है, लेकिन कभी किसी ने गौ को, उनको कभी बोला बकरी माई, भैंस मौसी, जर्सी वाली बड़ी मौसी, किसी ने बोला क्या? नहीं बोला ना। लेकिन गाय को ही क्यों माता कहा गया और इसका शास्त्रीय आधार क्या है? जब तक शास्त्रोक्त तत्वों को समझेंगे तब समझ में आए। अच्छा, जैसे कृष्ण भगवान जन्म हुए और वो बोल कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, ऐसा करते ना कथाओं में, कृष्ण जन्म करवाते ना, ऐसे गौ माँ की जन्म का कोई जानते हैं? गौ माँ कैसे, कहाँ से निकली, कैसे जन्म हुई, नहीं पता ना। अजी, कोई एक तो जानते होंगे, कथा तो सुनते हैं मुरारी जी, क्या नाम है मुरारी बाबू, भी बहुत बार बोले संत महाराज। समुद्र मंथन के समय तो सबसे पहला शास्त्रोक्त आधार ये है कि ये जो गौ माता है जिसके हेतु हमने मां कहा, ये पहला तो प्रमाणिक विधि है कि माता से भी जिस माता ने ज्यादा दुग्ध पिलाया। दूध पिला देने मात्र से कोई मां नहीं हो जाने वाला। अभी आपके पास डायरी फार्म है ना, डायरी का ATM या ऐसा कुछ, पैसा डालो दूध निकले, है कि नहीं? तो क्या वो मां हो गई? बकरी दूध पिलाए मां हो जाए? नहीं। उसके पीछे सबसे बड़ा रहस्य यह है, मातृत्व का अनुभव करना, कराना। ध्यान देना, थोड़ा गहरा बिंदु है, मुझे पता नहीं मैं आपको ये अति रहस्यमय विषय पे लूं और आप समझ पाओ या नहीं पाओ, मुझे नहीं पता, मैं इसमें असमर्थ हूं, क्योंकि यहां से वेदांत के सूत्र शुरू हो जाते हैं।
कोई नारी शरीर धारण करने वाले मानवी, ध्यान थोड़ा दोगे मेरा बात समझ में आ रहा है, अगर आप चेतन सत्ता आत्म सत्ता मेरे आपके अंदर जो विराजे हैं, अभी आप एक नारी शरीर में हो, ओके नहीं, किंतु आप अपने को मां नहीं कह सकते। कोई बच्चा जन्म कर दे तो वो मां हो जाए, ऐसा नहीं है। कोई दूध पिला दे और वो मां हो जाए, ऐसा नहीं है। मातृबोध को प्राप्त करना, मुझे पता है कि इतने कम समय में इस बात को आपके दिमाग में नहीं घुसा सकता, संभव नहीं है, लेकिन फिर भी एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूं। देखिए, आप में से कितने मां हैं, हाथ उठाएंगे, वो आधा हाथ उठाए, पूरा उठाए, ठीक। मैंने आप सब माताओं को मेरा नमन। अब एक प्रश्न ये है, मां माने क्या, मुझे उत्तर देने का जरूरत नहीं है, आप पूछो अपने आप, क्या हम मां माने जानते हैं? शाब्दिक तौर पे, शाब्दिक तौर पे। फिर दूसरा क्या है, बोध तो बोधात्मक स्तर पे, मैं आशा करता हूं आप समझते होंगे। बोलो गौ माता की। अभी वो पीछे देखिए, मैं बहुत बड़ा कथावाचक हूं ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन मेरा कथा के माध्यम से प्रयास रहता है, मैं जब एफर्ट करता हूं, मैं जब मेहनत करता हूं, तो इसमें मुझे किसी को खुश करने का प्रयास नहीं रहता, इस बात का प्रयास रहता है कि जो हमने प्रयास किया उसमें आपको फायदा हो। तो कृपा करके मेरे को बीच में डिस्टर्ब ना करें, ये बातचीत ना करें, इसका ध्यान देवे थोड़ा, क्योंकि मेरा कथा का लक्ष्य नहीं है कि मुझे कोई बाबा टाबा मावा बनना हो, बहुत बड़ा आश्रम करना और ये वैसा नहीं है। मैं आपसे सभी ने अनुरोध करता हूँ, मैं जब यहाँ आया हूँ और बड़ा गूढ़ रहस्य पे जाना चाहूँगा, तो कृपा करके बीच में स्टॉप। बोलो गौ माता की। मातृत्व को बोध होना, मातृत्व बोध होना, पशु भी बच्चा दे देते हैं, गाय बकरी भेड़ सुअर सब बच्चा दे देते हैं, लेकिन अंदर मां जन्म हो, इतना सहज बात नहीं है। मैं देखा हूँ 80-90 साल हो के बूढ़ी बूढ़ा हो जाते हैं, उनके अंदर मातृत्व बोध, और जिस दिन जगे
समझना इस शरीर को प्राप्त करने का परम लक्ष्य पूर्ण हो। उड़िया में एक साधारण बात कहते हैं, माँ देखे बेटो, से आए घर में घुसे और मां पहले क्या बोलती है, बेटा। और बुढ़िया क्या, बुढ़िया मतलब पत्नी क्या बोलती है, कितने कमा के लाए हो, कितना है बैंक बैलेंस बढ़ा के नहीं। ये पहला सूत्र है, पहला। ऐसे ऐसे करीब करीब 108 सूत्र हैं माँ माने क्या जानने के लिए, मैं उधर नहीं जाऊं और मैं इससे आगे बढ़ना चाहूंगा। इन सारे बिंदुओं को जानने के लिए टेलर मात्र है और आगे फिल्म देखना पड़ेगा। तो मेरे को अच्छा बात था, 7 दिन का बोले थे, मैं बोला नहीं मैं रिस्क नहीं लूंगा, पहले 2 दिन का देखता हूँ, फिर अगर समझ में आवे तो फिर 7 दिन का बाद में इन सारे विद्याओं को विस्तार करेंगे। पता नहीं गो माता की क्या इच्छा है। तो आप ये दूसरा प्रश्न था। पहला प्रश्न यह था कि गो कथा से क्या फायदा होने वाले हैं, तो जिसमें मैं आपको बता दिया, स्वास्थ्य, संपत्ति, धन, सुख, शांति, समृद्धि वगैरह वगैरह का प्राप्ति संभव है गौ से और गौ माता से। दूसरा बिंदु हुआ कि गौ माता को माँ क्यों कहते हैं, और इसलिए कहते हैं कि, इसलिए नहीं कहते हैं कि माँ से भी ज्यादा दूध पिलाती है, लेकिन अगर आप अपने अंदर मातृत्व का बोध करवाना चाहते हो, सदन मैं बात को ध्यान दे रहा, जो वास्तविकता है, जो मैं पहला शुरू यहां से किया था, पहला एकदम याद करो, पहला सूत्र, पशु और मनुष्य के अंदर भिन्नता क्या है, आहार निद्रा भयमयी तुनंच, आहार निद्रा भयमयी तुनंच, आहार निद्रा भय, ये चार किसके लिए, किसके साथ समान है, किसके साथ, मनुष्य और पशु में कोई भिन्नता इस जगह में नहीं है। और वैज्ञानिक डार्विन भी ये बात बोल दिया, मनुष्य क्या है, बोला टेल लेस एनिमल, एक पूछ विहीन जानवर का नाम मनुष्य। अब शास्त्रोक्त प्रमाण क्या कह रहा है, अब देखिए, एक कुत्ता, एक इंसान, कुत्ता जन्म हो लिया, इंसान भी जन्म हो गया, कुत्ता धीरे धीरे बड़ा हुआ, आदमी भी धीरे धीरे, इंसान भी धीरे धीरे बड़ा हुआ, कुत्ता भी अपना बीवी भी ढूंढ के शादी कर लिया, आदमी भी ढूंढ ढूंढ के शादी कर लिया, है ना, फिर कुत्ता भी अपना नाती पुत्री देख लिया, नौकरी का कुत्ता तो नौकरी करने जाएगा ही, ड्यूटी ढूंढने, हड्डी हड्डी नहीं कमाएगा तो परिवार को कैसे खिलाएगा, ये आजकल मालिक कौन है, सब तो नौकर है, किसी को समझाया जाए भाई मालिक बनो, खेती करो, गौ पालन करो, करने वाला है सबको, है ना, करे दे दे बाबा, क्यों बोला, लॉर्ड बैंगले पढ़ा लिया पाठ हमारे बच्चों को, तो बनिया का बच्चा भी नौकरी करने भागता है, शेर का बच्चा मर जाए घास नहीं खाएगा, बनिया का बच्चा मर जाए नौकरी नहीं करेगा, लेकिन लॉर्ड मैकले का स्कूल में जब से घुसा दिए अपने बच्चों को।